वेलकम टू माय चैनल क्रैक एग्जाम विद निकुंज। आज जो मैं एक रिक्रूटमेंट लेके आया हूँ एनपीसीएल की ओर से, वो बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट आई हुई थी। अभी तक आप सबने इसके बारे में पता नहीं चला हो तो अभी भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारे पास काफी सारा टाइम है, तो हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि ये फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट की जो बीटेक के लिए जो रिक्रूटमेंट आई थी वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसकी सैलरी भी बहुत बढ़िया है और जो काफी सारे उसके साथ हमें अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं और काफी सारी फैसिलिटी भी मिलने वाली है, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आज का जो हमारा डिस्कशन है हम स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है आपके लिए एक जनरल रिमाइंडर है कि अभी तक इसके बारे में आप सबने देखा नहीं हो और अप्लाई नहीं किया तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी काफी सारा टाइम है। तो उसके लिए हम पहले इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। जो डेट हमारी ओपनिंग डेट थी, जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप की, वो स्टार्ट हो चुकी है, 9 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी थी। और उसकी जो लास्ट डेट है और जो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है वो 29 जुलाई है। तो तब तक हम हमारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास कम से कम 10 डेज है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। जो फिक्स टर्म इंजीनियर है सिविल के लिए ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, बीटेक बीएससी इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। जो हमारे एज लिमिट है 18, मिनिमम 18 होनी चाहिए, जो मैक्सिमम है वो 35 दी हुई है। उसी तरह से उसकी जो टोटल वैकेंसी है वो 11 है, वो बहुत ही बढ़िया। वो आप सब देख रहे हो उसका जो मंथ पर मंथ जो हमारा सैलरी रहने वाला है वो बहुत ही बढ़िया वाला रहने वाला है, 61,400 रहने वाला है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। और हम फिर मैकेनिकल की बात करो तो फिक्स टर्म इंजीनियर में टोटल वैकेंसी ये थे, उसमें बीटेक मांगा हुआ है और जो मिनिमम जो मार्क्स चाहिए वो 60% मार्क्स चाहिए। और जो एज लिमिट कैटेगरी और जो हमारा मंथली रिमुनरेशन रहने वाला है वो तो सेम ही रहने वाला है। फिर इलेक्ट्रिकल भी है फिक्स टर्म इंजीनियर के लिए, उसकी टोटल वैकेंसी 4 है, इसमें भी ग्रेजुएशन बीटेक बीएससी मांगा हुआ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होना चाहिए, 60% मार्क होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी अप्लाई कर सकते हैं, उसका भी मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। एज लिमिट और जो हमारे रिमुनरेशन है वो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी दी है वो सबके लिए सेम रहने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की फिक्स टर्म इंजीनियर के लिए वैकेंसी टोटल 2 ही है, लेकिन हमारा जो सिलेक्शन होने वाला है डायरेक्ट हमारे जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज है उसके बेसिस पे ही होने वाला है। अभी कोई भी टेस्ट के एग्जाम होने वाली नहीं है, तो हमारे लिए वो बहुत ही बढ़िया है, इसलिए हम अप्लाई तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट हमारे जो ग्रेजुएशन में टोटल मार्क्स आए उसी बेसिस पे होने वाला है और फिर हमारा इंटरव्यू होने वाला है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, इसलिए हमें अप्लाई तो करना ही है। वैकेंसी कम है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए, लेकिन हमें एक बार ट्राई तो कर ही लेना है, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन होने वाला है इंटरव्यू के लिए वो डायरेक्ट हमारा ग्रेजुएशन में जो मार्क्स आए उसके बेसिस पे ही होने वाला है। ओके, आगे बात करें फिक्स टर्म इंजीनियर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसमें भी 60% मार्क्स मांगा हुआ है और बीटेक बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं। जो एक फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट होने वाला है वो 2 ईयर्स के लिए होने वाला है और आगे भी वो लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। 2 ईयर तक तो हमें एनपीसीएल में वर्क करना ही है, तो इससे क्या बढ़िया हो सकता है हमारे लिए। एनपीसीएल में हमारा जो 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा वो हमारे लिए आगे हमारे करियर के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। जैसे ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप सबको बताया कि जो हमारे साथ अलाउंसेस भी बहुत ही बढ़िया देने वाले हैं एनपीसीएल फिक्स टर्म के रिक्रूटमेंट में, फिर भी आप सब देख रहे हो जिसमें अकोमोडेशन देने हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस ऑन टूर और भी काफ़ी सारे अलाउंसेस हमें देने वाले हैं। तो इससे बढ़िया बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट कह सकते हैं हम एनपीसीएल की ओर से। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है वो बेस्ड ऑन इंटरव्यू होने वाला है और हमारे मेडिकल फिटनेस भी चेक की जाएगी और मेडिकल सर्टिफिकेट हमें देना रहेगा। ऑनलाइन हमें कैसे अप्लाई करना है, तो www.npclcareer.co.in पे जाके हमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। फिर से एक बार हमारी जो डेट है हम डिस्कस कर ले, तो हमारी 9 जुलाई से हमारा जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है और 29 जुलाई तक हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप सब ले सकते हैं, इससे हमें रेफरेंस लेके हमें जो भी हमारा इमेज है और जो भी साइंस है हमें अपलोड करनी रहेगी जब हम ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तब। फिर से एक बार डेट देख ले, तो जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की डेट हमारी 9 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और अभी भी हम 29 जुलाई तक हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अभी तक आप सबने नहीं फॉर्म फिलअप किया तो कर लीजिए
और ऐसे ही अपडेट के लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।